everybody welcome at women new is the leader in the preparation for the upsc and state civil services examinations which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years hope all of you will be doing well exam raha hai so you must be फुली बिजी इन यूर प्रेपरेशन्स एंड स्ट्रेटेजाइज भी कर रहे हो आप आई नो दैट एंड हम भी आपकी प्रेपरेशन में मैक्सिम कॉन्ट्रीब्यूट करने की ऑनेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी तरफ से तो so, पिछली बार मैंने जो टॉपिक यहाँ डिस्कस किया था इश्यूज एंड एनालिसिस में वो था कि चाइना के अंदर जो प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं उन प्रोटेस्ट्स के चलते हुए इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है एंड इज़ इंडिया रेडी टू कैश दैट अपॉर्चुनिटी वो टॉपिक हमने किया था वो टॉपिक कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक बनता था तो so, आज मैं जो टॉपिक आपके लिए ले रहा हूं, वो टॉपिक इश्यू एंड एनालिसिस से रिलेटेड है इंडियन इकोनमी से टॉपिक है वो और टॉपिक का जो नेम है वो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एंड विल इट हेल्प बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया मीन्स आज के इस टॉपिक में हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे तो बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज़ फार एज़ द इंडियन इकोनॉमी इज़ कंसर्नड सो मैंने आज इस टॉपिक को इसीलिए सिलेक्ट किया है आपके साथ डिस्कशन के लिए सो so, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अभी अभिमन्यू आई में हमने तो फ्रेश बैचस यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विस प्रिलिमिन्री एंड मेन एग्ज़ामिनेशनस के लिए 2023-24 को टारगेट करते हुए स्टार्ट किए हैं सो so, ये क्लासेस आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स के थ्रू अवेलेबल रहेंगी एंड हम सेवन डेज़ फ्री ट्रायल क्लास भी दे रहे हैं अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो सो so, मेरा नाम आप सबको मालूम है आई एम डॉक्टर एच एस सिद्धू अभिमन्यु आई एस में मैं इंडियन इकानमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस टीच करता हूँ एंड आई हैव बीन मेंटोरिंग द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स फॉर मोर देन फिफ्टीन इयर्स एंड आई हैव ऑथर्ड मैनी बुक्स आल्सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यू एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो ये जो आज का अपना टॉपिक है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2021-22 के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ विलिंग टू Develop infrastructure in Indian economy on a very massive scale. Because everybody, all the economists and the policymakers and the government is also agreeing on this point that uh, infrastructure is key to the development, key to the prosperity, and uh, key to providing the wealth, key to

बिहाइंड द लो लेवल ऑफ इंक्लूजन ऑफ द पीपल फ्रॉम वेरियस सेक्शन इन टू द इकोनॉमिक डवेलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री तो इसके चलते हुए गवर्नमेंट ने टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी में एक नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की अनाउंसमेंट की थी जिसके अंडर अप्रॉक्सीमेटली फोटी थ्री लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की गई है अप टू द ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एंड जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करने की बात करते हैं तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ी जो हमारे सामने एक प्रॉब्लम है दैट इज़ हाउ टू फाइनेंस दैट इन्वेस्टमेंट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर और उस चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ये इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला है अंडर विच द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड दैट बेसिकली नीति आयोग ने इसको डिज़ाइन किया था डिवेलप किया था तो इनका ये प्लान है हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं मीन्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हमारी एसेट्स हैं पब्लिक एसेट्स उनकी मॉनिटाइजेशन करके उनके अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन करवा के और वहाँ से जो पैसा जनरेट करके उसको हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए फर्दर इन्वेस्ट करें बहुत सीधी बात है कि जो हमारे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में से जो कोर एसेट्स हैं उन कोर एसेट्स की मोनेटाइजेशन करके मोनेटाइजेशन का तरीका इसमें ये रखा है कि हम प्राइवेट पार्टीज़ को वो लीज़ पे देंगे एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए प्राइवेट पार्टीज़ वहाँ से जो रेवेन्यू है उसमें से शेयर लेंगी और एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद वो जो प्राइवेट पार्टी है वो जो एसेट्स हैं पब्लिक प्रोजेक्ट्स की वो गवर्नमेंट को फिर हैंड ओवर कर देगी तो so, इस एंटायर स्कीम को हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम कहते हैं तो दैट मीन्स इसके अंदर जो गवर्नमेंट की किसी तरह की कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हम जो पब्लिक एसेट्स हैं उनको प्राइवेट पार्टीज को सेल आउट करेंगे सेल आउट नहीं करेंगे ऑनरशिप विल रिमेन द विल रिमेन विद द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट पार्टीज विल बी गिवन ओनली एंड ओनली द यूजर राइट मीन्स देज एसेट्स दे मैनेज स्पेसिफाइड पीरियड

प्राइवेट पार्टिसिपेशन करवा के वहाँ से जो है इन्वेस्टमेंट वहाँ से फंड जनरेट करके उसको हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में लगाएंगे और इससे क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा एंड जो हमारे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एसेट्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी बिकॉज द प्राइवेट प्लेयर्स आर बेटर नोन फॉर द एफिशेंसी एंड द बेटर टेक्नोलॉजी सो दैट इज़ वाई दैट विल बी देयर एंड प्राइवेट सेक्टर को हम एक नई ऑपरचुनिटी प्रोवाइड करेंगे सो दैट वो एक नई अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकें एंड इससे इकनॉमिक ग्रोथ भी होगी एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो पावर्टी का सोल्यूशन भी होगा डिमांड भी जनरेट होगी एंड जो रूरल अर्बन डिवाइड है वो भी नैरो कर पाएंगे हम तो ये बेसिकली इसका मेन पर्पस है तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन है जो ये यू कैन से हेल्प करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए तो दिस इज द मेन क्वेश्चन विच इज देयर तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं एंटायर टॉपिक को तो so, पहले है व्हाट इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इट इज ए द कीम फॉर फंडिंग वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय मोनेटाइजिंग सम एसेट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग और ब्राउन फील्ड पब्लिक प्रोजेक्ट ये कहते ये एक स्कीम है जिसके अंडर हम हमारे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करेंगे और जो हमारे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो एसेट्स हैं उनको मोनिटाइज करेंगे इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनानस ने लॉन्च किया था कब 23rd of August 2021 and this scheme was developed by the Niti Aayog and it is important to remember that the period of this scheme is from 2021-22 to 2024-25 this means a, this is a four year scheme which starts from 2021-22 and will ends इन द ईयर 2024-25, if it is इफ इट इज़ नॉट एक्स एक्सटेंडेड फॉर एंड नेक्स्ट है कि इज द सेल ऑफ एसेट्स टू प्राइवेट पार्टीज क्या इसके अंदर हम प्राइवेट पार्टीज को एसेट की सेल करेंगे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नो वी आर नॉट गोइंग टू सेल द द प्राइवेट पार्टीज बट द गवर्नमेंट एसेट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन लीज टू द प्राइवेट पार्टीज जो भी गवर्नमेंट एसेट्स हैं वो हम प्राइवेट पार्टीज को लीज़ पर ट्रांसफ़र करेंगे और ए स्पेसिफाइड पीरियड द इन्वेस्टिंग पार्टी हैज़ ए शेयर इन द रेवेन्यू जो भी प्राइवेट पार्टी इन्वेस्ट करेगी उसको रेवेन्यू में से शेयर मिलेगा एंड ऑनरशिप रिमेन्स विद द गर्नमेंट ओनली और जो भी हमारे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एसेट्स हैं जो उनकी ऑनरशिप है जो वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी तो फिलोसफी अंडरलाइंग द स्कीम इस स्कीम के नीचे या इस स्कीम के पीछे कौन सी फिलॉसफी है जो काम कर रही है क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन। दिस इज द बेसिक फिलोसफी विच इज अंडरलाइंग दिस एंटायर यू कैन से अप्रोच और दिस एंटायर प्लान क्रिएशन थ्रू मोनिटाइजेशन दैट मीन्स हम एग्जिटिंग प्रोडक्ट्स जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एसेट्स को मोनिटाइज करेंगे और नई एसेट्स क्रिएट करेंगे दैट इज द फिलोसफी विच इज़ अंडरलाइंग दिस प्रोजेक्ट दिस स्कीम दैट दैट मीन्स टैपिंग द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हम नई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को टैप करेंगे तो दैट इज़ द बेसिक पॉइंट हेयर द स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट ट्वेंटी वन तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस स्कीम की अनाउंसमेंट 2021-22 के बजट में की गई थी एंड द नेक्स्ट इज दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जब हम इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे वन इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। एज फार एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स इज कंसर्न्ड, जैसे हमने पहले भी बात की है वन ऑब्जेक्टिव इज टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन ब्राउन फील्ड पब्लिक सेक्टर एसेट्स तो हमारे ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स कहते हैं उनकी एसेट्स में से जो हमारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमने लॉकअप कर रखी है उस इन्वेस्टमेंट को निकालेंगे अनलॉक करेंगे एंड टू इंश्योर द ईज ऑफ फंडिंग ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इससे क्या होगा जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग करने के लिए हमें हेल्प मिलेगी Uh, हम कर पाएंगे टू टैप द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट सो दिस इज़ ए न्यू एंड इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर द प्राइवेट सेक्टर सो हम इस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर से पैसा है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर लेके आएंगे सो एंड देर आर सर्टन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑल्सो सो वट आर दोज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स one of the objectives is creating employment opportunities obviously when there will be investment in the infrastructure so thousands of jobs will be created by that way and second is uh, enabling high economic growth in india so better infrastructure uh, means a uh, speeding up of the economic activity speeding up of the economic activities means a uh, uh, faster rate of growth of the economy and uh, optimum utilization of assets in brownfield public projects because when the private players will enter into uh, the brownfield public projects so they will ensure the optimum utilization of the assets in those projects so this is a win-win situation both ways Ek taraf to ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगी और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास फंड्स आएंगे नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इंटीग्रेटिंग द रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉर ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर हम ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर के लिए रूरल एंड अर्बन एरियाज़ को हम इंटीग्रेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सो नेक्स्ट इज देयर टोटल मोनेटाइजेशन पोटेंशियल तो गवर्नमेंट ये मानती है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के, के थ्रू हम अप्रोक्सीमेटली सिक्स लाख करोड़ रुपीस है जो वो जनरेट कर पाएंगे फॉर पर्पस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री वो पोटेंशियल कितना है अबाउट सिक्स लाख करोड़ इन ट्वेंटी 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 टू द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू रियलाइज रुपीज एटी एट थाउजेंड करोड़ बट द एक्चुअल रियलाइजेशन रीच एट द लेवल ऑफ रुपीज नाइन्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ तो इसकी हमें सक्सेस का पता चलता है कि पिछले साल ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू क्योंकि स्कीम जो थी दैट वॉज लॉन्चड ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी वन और तब से लेकर के मार्च 2022 तक गवर्नमेंट का टीचा था कि हम 88,000 करोड़ रुपीस हैं जो वो हम मोनेटाइज करेंगे मींस uh, इतनी वैल्यू की एसेट मोनेटाइज करेंगे जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स में है बट uh, जो अचीव हुआ है दैट इज़ 96,000 करोड़ दैट मींस दिस स्कीम इज़ गेटिंग गुड रिस्पांस सो फार टाइप्स ऑफ एसेट्स कवर्ड इसके अंदर कौन कौन सी एसेट कैसी एसट्स कवर की जाती हैं तो एज फार एज द टाइप्स ऑफ एसट्स कवर्ड इज कंसर्न ट्वेंटी एसेट्स फॉलिंग अंडर थर्टीन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वो कौन सी थर्टीन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं दैट इज रोड्स रेलवेज पावर ट्रांसमिशन पावर जनरेशन टेलीकॉम वेयर हाउसिंग माइनिंग नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोडक्ट पाइपलाइन एंड अदर्स एविएशन अर्बन रियल एस्टेट पोर्ट्स एंड स्टेडियम्स तो दीज आर द दीरियस थर्टीन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स जिनके अंडर ट्वेंटी एस कोर एसेट्स हैं जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में उनकी मोनिटाइजेशन की जाएगी वन पॉइंट सेकेंड इज ओनली ब्राउन फील्ड एसेट्स आर कवर्ड सिर्फ जो एग्जिटिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन उनकी एसेट्स की मोनेटाइजेशन की जाएगी एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड इज़ नॉट कवर्ड अंडर इट सिमिलरली प्रोसीड्स फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस एंड सिमिलरली मोनिटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स इज नॉट कवर्ड बिकॉज हमने ऑलरेडी बात की है कि इसके अंडर हम सिर्फ कोर एसेट्स हैं जो उनकी मोनिटाइजेशन करेंगे

तो ये जो मोनेटाइजेशन करनी है ये सिर्फ़ एंड सिर्फ कोर एसेट्स की मोनेटाइजेशन करनी है हमने दैट इज़ द पॉइंट देयर एंड नेक्स्ट इज़ मोड ऑफ मोनेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन करवाई जाएगी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर लाई जाएगी इट मीनस जो भी हम पब्लिक एसेट्स की मोनेटाइजेशन करेंगे उसके अंदर जो फॉरेन पार्टीज़ हैं

प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन ये प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंस्ट्रूमेंटल इन फाइनानसिंग फर्दर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बाई मोनेटाइजिंग द अंडर यूटिलाइज एसट्स अप इन ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो हमारे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में कुछ एसेट्स लॉकअप कर रखी है हमने वो अंडर यूटिलाईज एसेट्स हैं जो उन एसेट्स की हम मोनेटाइजेशन कर पाएंगे और उनकी हम उस मनी की हम बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे फॉर बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट फॉर मेकिंग आर इकोनॉमी स्ट्रॉगर वीक द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन विल सपोर्ट द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड अदर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट एज अप्रोक्सीमेटली फोर्टीन परसेंट ऑफ द परपोज सेंट्रल आउटले अंडर द नेशनल इन्वेस्टमेंट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम द एन एन पी तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में इस तरीके से हेल्प करेगी जैसे मैंने पहले बात की है कि दिस नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन इज को टर्मिनस विद द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन विच वॉज लॉन्चड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी एंड दैट प्लान इज़ ए फाइव ईयर प्लान विच इज़ एंडिंग इन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव दैट दैट मीनस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में उसका एंड होगा और ये फोर ईयर प्लान है जो नेशनल मोनिटाइजेशन प्लान है ये ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में लॉन्च की है और इसका जो एंड होगा दैट विल बी in the year that uh, 24 25 so this is the basic thing here and the point is that uh, national infrastructure pipeline ke under government ka target 2024-25 the government wants to spend or invest uh, approximately rupees 43 lakh crore in the infrastructure development in the country and usme je उसमें से अप्रोक्सीमेटली फोर्टीन परसेंट है जो दैट इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम द दिस नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन सो इन दिस वे वी कैन से दैट नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम आल्सो इट विल बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जब ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जब प्लान uh, है जो जब वो ऑपरेशन में आती है हम एसेट्स की मोनेटाइजेशन करते हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट में फर्दर uh, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग डिमांड आल्सो एंड विल कंट्रीब्यूट टू द Employment generation in the country. So it's a economic growth we ho, demand will generate generated, and employment generate generated. So that is good for the Indian economy. It provides for public and private sector collaboration, where each will excel in their core areas of competence, thus delivering socio-economic growth and quality of life to the citizens. So it's so is se पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए एक ग्राउंड मिलेगी जहाँ पर दोनों पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर अपनी अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज़ का जो फील्ड है उनका वहाँ वो काम करेंगे और उससे क्या होगा अल्टीमेटली सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा इट विल लीड टू सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिज द अर्बन रूरल डिवाइड

उसके बेनिफिट्स क्या हैं अब हम देखते हैं कि नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं चैलेंजेस पहला चैलेंज है कि लो इंटरेस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन प्रोजेक्ट्स सच एज नेशनल हाईवेज बिलो द लेवल ऑफ फोर लेन क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने अपना रेवेन्यू देखना है तो वो वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां से उन से उनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा सो so, जो अगर हम बात करते हैं रोड्स uh, की बिकॉज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रोड रेलवे एंड पावर दीज आर द थ्री सेक्टर्स जिनके अंदर एसेट मोनेटाइजेशन का मैक्सिमम पोटेंशियल है और जब हम रोड uh, सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर uh,

That helps in generating more revenue for the private players. तो so, पहली बात तो ये है कि जो different types की जो assets हैं उनके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट किया जाए उनका इंटरेस्ट जनरेट कैसे किया जाए उनको अट्रैक्ट कैसे किया जाए towards दैट एंड दूसरा है लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स इन वीरियस प्रोजेक्ट्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स को आइडेंटिफाई करने की दिक्कत आती है ये भी एक इशू है हार्ड इज नो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेकेजम एक्सट बिकॉज जब भी एसेट मोनिटाइजेशन की तरफ हम बढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर आएगा कुछ डिस्प्यूट भी अराइज़ होंगे उसको रिजोल्व करने के लिए हमें कोई इंडिपेंडेंट मेकेानिज़म की ज़रूरत थी और वैसा अभी तक कोई इंडिपेंडेंट मेकेानिज़म नज़र नहीं आता क्योंकि okay, अगर ये डिस्प्यूट्स थ्रू द कोर्ट्स रिजॉल्व होंगे दैट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम एंड दैट डिसक्रेज द प्राइवेट प्लेयर्स टू कम फॉरवर्ड एंड रेगुलेटेड टेरफ इन पावर सेक्टर अगर हम पावर सेक्टर के अंदर एसेट मोनेटाइजेशन की बात करेंगे तो पावर सेक्टर के अंदर जो टैरिफ है वो रेगुलेटेड है अगर गवर्नमेंट टैरिफ को जो यू कैन से डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड करेगी मींस जो रेगुलेटेड नहीं रखेगी तो देन देर विल बी अपोजिशन फ्रॉम द कंज्यूमर्स फ्रॉम द पब्लिक एंड दैट इज़ वाई अगर ये टैरिफ रेगुलेटेड रहेगा तो प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव नहीं रहेगा

क्योंकि वहाँ से कितनी अमाउंट जनरेट होनी है वो डिपेंड करता है कि हमारा बिडिंग प्रोसेस कैसा है उसकी क्वालिटी कैसी है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है या नहीं कितने प्राइवेट प्लेयर्स उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे कंपटीशन होगा तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने तो ज़्यादा यू कैन से फंड्स यू कैन से जनरेट uh, होने की संभावना है एसेट मोनिटाइजेशन से तो देट इज़ वाई पीडिंग प्रोसेस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा एंड टैक्स पेयर्स ऑब्जेक्शन बिकॉज दे हैड ऑलरेडी पेड फॉर द पब्लिक पार्टीज द टैक्सर्स हैगेन आर यूजिंग दोड्स अगर हम किसी रोड की बात करते हैं विच हैज़ बीन constructed by the government earlier that is a brownfield project agar government us us road ki monetization karegi so तो obviously private players will enter into that and private players us roads ke us road ke upar tolls lagayenge for generating the revenue वहीं से revenue generate होगा और तो कहीं से revenue generate नहीं होगा तो इस चीज़ की opposition public की तरफ से होगी क्यों क्योंकि जब गवर्नमेंट ने पहले उस रोड को कंस्ट्रक्ट किया था वो भी पब्लिक के मनी से किया था बिकॉज टैक्स पेयर्स की मनी है जो वो गवर्नमेंट के पास जाती है और उसी मनी को स्पेंड करके गवर्नमेंट है जो पब्लिक एसेट्स क्रिएट करती है एंड एक तो लोग वहाँ पैसा दे चुके हैं गवर्नमेंट को एंड दूसरा जब प्राइवेट प्लेयर्स वहाँ आके टोल लगाएंगे तो लोगों को उस रोड को यूज़ करने के लिए फिर से टैक्स पे करना पड़ेगा

वो आगे आए और इन्वेस्ट करें ओके सो दैट मीन्स ये जो एसेट मोनिटाइजेशन स्कीम है ये इंक्लूसिव लगता है नहीं रहेगी इसके अंदर कुछ गिने चुने बिजनेस हाउसेस आएंगे आगे और दैट मीन्स देर इज एप्रीहेंशन दैट द मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज में डेवलप इन द इकोनि सो दीज आर वेरियस चैलेंजेस अब अगर हम कंक्लूड करते हैं इस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म शुड बी देयर सो दैट प्राइवेट सेक्टर में कॉन्फिडेंस आए एंड दे शुड कम फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन टू द ब्राउनफील्ड एसेट्स देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीड टू बी स्ट्रीमलाइंड बाई मेकिंग इट मोर इंक्लूसिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है ऐसा ना हो कि इट विल uh,

ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने क्वेश्चन क्या डाला था या स्टार्टिंग में जो हमने टॉपिक रखा था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन विल इट हेल्प बूस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो हमें एग्ज़ामिनेशन में क्या लिखना होगा हमें पहले लिखना होगा कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम क्या है और इस स्कीम को स्टार्ट क्यों किया गया इसके पीछे मकसद क्या है और इस स्कीम के ज़रिए हम यू कैन से इतने फंड्स जनरेट करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ़ द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड थोड़ा हम नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का ज़िक्र भी कर देंगे एंड देन हम इसके अंदर ओनली कोर एसेट्स ऑफ द ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट विल भी मोनेटाइज ये भी मैंशन करेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं एंड एंड पे हम बताएंगे कि इस स्कीम को पॉपुलर बनाने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं तो so हम कंक्लूड इसको ऐसे करेंगे कि नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम इज़ ए गुड स्कीम विच हैज़ बीन क्रिएटेड विद ए गुड इंटेंशन इट इज़ ए नॉबल सोल्यूशन very innovative solutions to generate the investment for building the large scale investment in our economy. But there are certain issues which needs to be addressed. If we properly address so then this is a good scheme and this will definitely help boosting the infrastructure building in Indian economy. So this is all about today's topic. I hope this topic is clear to everybody. अगर किसी का कोई डाउट होगा तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरी थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट विल सी यू अगेन विद ए न्यू टॉपिक तो इसको ध्यान से सुनना ध्यान से इसको नोट करना और ट्राई टू तो राइट द आंसर जो मैंने बिगनिंग में डाला था क्वेश्चन एक तो इसका टॉपिक ही है कि नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन विल इट हेल्प इन बूस्टिंग द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडियन इकॉनमी तो इसका आंसर भी लिखने की कोशिश करना ज़रूर तो थैंक यू वेरी मच